दोस्तों सपोज करिए कि आप एक एस्ट्रोनॉट हैं और आप एक मिशन पे जा रहे हैं नियरेस्ट ब्लैक होल को ऑब्जर्व करने और डेटा कलेक्ट करने। गलती से आप उसके इतने करीब चले गए हैं कि वो आपको अपनी तरफ खींचने लगा है। ऐसे में अगर आप ब्लैक होल में गिर जाते हैं तो क्या चांसेस हैं कि आप उससे बच जाएंगे या उससे बच के निकल पाएंगे? ये पता करने से पहले हमें ब्लैक होल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी जरूरी है, तो आइए पहले इसे जानें। दोस्तों ब्लैक होल स्पेस टाइम में एक ऐसी बॉडी है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो अपने आसपास मौजूद सभी चीजों को अपनी तरफ खींचने लगती है, कि यहां तक कि लाइट भी उससे बच नहीं पाती है। इनको ब्लैक होल कहते हैं, पर असल में ये कोई होल नहीं होते हैं बल्कि एक सुपर कॉम्पैक्ट बॉडी है जिनका मास मिलियन बिलियन टाइम्स सन के मास के होता है, पर साइज कंपैरेटिवली बहुत छोटा होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर अर्थ कंप्रेस होके एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाती है तो उसका साइज एक गोल्फ बॉल के बराबर हो जाएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें स्पेस टाइप का कॉन्सेप्ट समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों हम जब भी स्पेस की बात करते हैं तो नॉर्मली यूज होने वाले कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी वहां रखे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए काफी नहीं होते हैं। हमें एक चौथा कोऑर्डिनेट टाइम भी जरूरी होता है स्पेस में रखे किसी भी ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए। इस फोर डायमेंशनल सिस्टम को स्पेस टाइम कहते हैं और इसे एक ग्रेडेड फैब्रिक के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने फेमस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये प्रूफ किया कि टाइम को हम कांस्टेंट नहीं अज्यूम कर सकते हैं, बल्कि ये वेरी करती है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी के वेरिएशन के साथ। इसके लिए आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया है, एक्चुअल टाइम इक्वल्स टू आइडियल टाइम अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों v ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी है। जैसे जैसे v यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टाइम की वैल्यू बढ़ती ही जाएगी, या फिर यूं कहिए इलैप्स टाइम बढ़ेगा। इस फिनोमेना को टाइम डायलेशन कहते हैं। दोस्तों इस थ्योरी को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसलिए कहा गया क्योंकि ये स्पेशल केस है जहाँ ग्रेविटी के इफेक्ट को कंसिडर नहीं किया गया है सिंप्लीफिकेशन के लिए। 1915 में आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी दी थी जिसमें उन्होंने ये प्रूव किया था कि ग्रेविटी टाइम को स्लो डाउन करती है एक ऑब्जर्वर के लिए जो उस ग्रेविटी फील्ड से बाहर लोकेटेड हो। इस फिनोमेना को ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहा जाता है। दोस्तों इसको स्पेस टाइम में एक डिस्टॉर्टेड स्पेस फैब्रिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जितना ज्यादा ग्रेविटी होगी उतना ज्यादा स्पेस फैब्रिक में डिस्टॉर्शन होगा। दोस्तों इसी थ्योरी के बेसिस पे आइंस्टीन ने यह प्रेडिक्ट किया था कि स्पेस में एक ऐसा पॉइंट या ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होगी कि स्पेस फैब्रिक का डिस्टॉर्शन इनफाइनाइटली डीप होगा, जिससे पास होने वाली कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ तक कि लाइट भी उससे बाहर कभी आ ही नहीं पाएगी। आइंस्टीन को थ्योरेटिकली तो ये ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा था, बट ऐसे ऑब्जेक्ट का एक्चुअली में एग्जिस्ट करने की पॉसिबिलिटी उन्हें भी डाउटफुल लग रही थी। ईयर 1916 में जर्मन साइंटिस्ट कार्ल श्वार्जचाइल्ड ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इक्वेशन की एग्जैक्ट सॉल्यूशन दिया जिसमें एक नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल को कैरेक्टराइज किया। फिर 1958 में डेविड फिंकलस्टेन ने श्वार्जचाइल्ड के सॉल्यूशन को इंटरप्रेट किया और ये कंक्लूड किया कि ब्लैक होल्स की एक लिमिटिंग बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री को जो भी ऑब्जेक्ट क्रॉस करेगी वह वापस नहीं आ पाएगी और अल्टीमेटली ब्लैक होल में सक्ड इन हो जाएगी। इस लिमिटिंग बाउंड्री को इवेंट होराइजन कहा गया। दोस्तों ईयर 1971 में साइंटिस्ट ने पहले ब्लैक होल को डिस्कवर किया जिसकी खोज वो बहुत समय से कर रहे थे। इस ब्लैक होल को सिग्नस X1 नाम दिया गया। दोस्तों इवेंट होराइजन के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं कि ये बाउंड्री ऑफ नो एस्केप होती है, यानी कि इस बाउंड्री के अंदर आने वाली चीज का वापस बाहर जाना इम्पॉसिबल होता है। एक नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल के लिए इवेंट होराइजन का शेप स्फेरिकल होता है, वहीं एक रोटेटिंग ब्लैक होल के लिए इवेंट होराइजन का शेप ऑबलेट फॉर्म में होता है। ऑबलेट यानी कि बीच से बल्ज्ड होता है। जब भी कोई मैटर इवेंट होराइजन को पार करके ब्लैक होल में गिरता है तो वो एक पॉइंट में जाकर कन्वर्ज होके गायब हो जाता है, मानो उस पॉइंट ने मैटर को स्वॉलो कर लिया हो। इस पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी की डेंसिटी इनफाइनाइट होती है दोस्तों, यानी कि ब्लैक होल का पूरा मास यहीं पे कंसंट्रेटेड होता है। नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल के केस में सिंगुलैरिटी एक पॉइंट होता है, वहीं रोटेटिंग ब्लैक होल की बात करें
तो सिंगुलैरिटी एक रिंग के फॉर्म में होती है। दोस्तों ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल पुल इतनी स्ट्रांग होती है कि वो उसके आसपास मौजूद स्पेस फैब्रिक को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। ऐसे में जब ब्लैक होल रोटेट करता है तो ये आसपास के स्पेस फैब्रिक को भी अपने साथ ही रोटेट करने लगता है। इस फिनोमेना को फ्रेम ड्रैगिंग कहते हैं और इस ट्विस्टेड स्पेस फैब्रिक को आर्गोस्फेयर कहते हैं। जब भी ब्लैक होल्स की बात होती तो ज्यादातर दो टाइप के ब्लैक होल्स को कंसिडर किया जाता है। पहला सुपर मैसिव ब्लैक होल, जिसका साइज और मास बहुत ज्यादा होता है, ये 16 मास के मिलियन एंड बिलियन टाइम्स होता है। दूसरा स्टेलर ब्लैक होल होता है, जो रिलेटिवली स्मॉल होता है और इनका मास सोलर मास के 3 से 10 गुना होता है। इनके अलावा थर्ड टाइप होता है इंटरमीडिएट ब्लैक होल और फोर्थ टाइप हाइपोथेटिकल होता है, जिसे प्राइमोर्डियल ब्लैक होल कहते हैं, जिनकी ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होती है। अब दोस्तों हम अपने सवाल पे वापस आते हैं कि अगर आप गलती से ब्लैक होल में जाकर फंस जाते हैं तो क्या संभावना है कि आप उससे वापस बाहर निकल के आ पाएंगे। अगर आप ब्लैक होल के अर्गोस्फेयर में फंस जाते हैं तो आप उसके साथ रोटेट करने लगेंगे, फिर भी एक चांस है कि आप उससे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल पुल इवेंट होराइजन की तुलना में कम ही होती है। अब मान लीजिए कि हम बाकी फैक्टर्स को निगलेक्ट करते हैं, जैसे कि जी फोर्स, हाई फ्रिक्शनल फोर्स या किसी स्पेस डेब्री से टकराने की पॉसिबिलिटी, फिर भी वहां से निकलना बहुत मुश्किल होगा दोस्तों। इसके लिए आपको सीरियस एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इतनी एनर्जी गेन करने की जरूरत होगी कि आपकी स्पेसशिप की वेलोसिटी वहां के एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए। ऐसा होगा तभी आपके अर्गोस्फीयर से निकलने की पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर थोड़ी मेहनत की जाए तो आपकी स्पेसशिप अर्गोस्फीयर के मैसिव मोमेंटम एनर्जी को भी हार्नेस कर सकती है, जो कि इस हाई वेलोसिटी को अटेन करने में मदद करेगी। अगर आप अर्गोस्फीयर से सक्सेसफुली बच जाते हैं और फिर अर्थ वापस पहुंचते हैं, तब आप रियलाइज करेंगे कि आपके फैमिली मेंबर्स और कलीग्स आपके पूर्वज बन चुके हैं, क्योंकि आपने टाइम डायलेशन की वजह से अपना बहुत सारा वक्त ब्लैक होल के अर्गोस्फीयर से निकलने में ही गवा दिया होगा। कितना वक्त गवा दिया होगा ये तो ब्लैक होल टू ब्लैक होल डिपेंड करता है। अगर हम अपने पड़ोस के ब्लैक होल सेजिटेरियस ए स्टार की बात करें तो वहां बिताया हर एक मिनट पृथ्वी पे बिताए 7 सालों के बराबर होगा। अब 2 से 4 घंटे का टाइम मानकर आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए कितना टाइम लगेगा। ये तो हुई रोटेटिंग ब्लैक होल की बात। अगर आप अनलकी हुए और किसी नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल के करीब चले जाते हैं तो अर्गोस्फीयर जैसी इनिशियल वार्निंग होगी ही नहीं। ऐसे में आप सीधे ब्लैक होल के हाई ग्रेविटेशनल पुल के चपेट में आ जाएंगे। इवेंट होराइजन पार करने के बाद आपका वापस आना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इवेंट होराइजन से पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी तक पहुंचने से पहले आपकी बॉडी पे इतना हाई ग्रेविटेशनल पुल लगेगा कि आप नूडल्स की तरह पतले और लंबे होते चले जाएंगे, लिटरली नूडल्स की तरह। इसीलिए इस प्रोसेस को स्फैगेटिफिकेशन भी कहा जाता है। इसके बाद सिंगुलैरिटी पे पहुंचने पे, क्योंकि आपकी बॉडी को इनफाइनाइट डेंसिटी अटेन करनी होगी एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगुलैरिटी, इसके लिए आप चारों तरफ से क्रश हो जाएंगे बहुत छोटे से वॉल्यूम में। ऐसा होने में जीवित होने की सोचिएगा भी मत। अगर हम रोटेटिंग ब्लैक होल की बात करें तो उसमें सिंगुलैरिटी पॉइंट के फॉर्म में ना होके एक रिंग के फॉर्म में होती है। ऐसे में अगर आप एक्सट्रीमली लकी होंगे तो आप सिंगुलैरिटी के रिंग से बचकर उसके बीच से निकल जाएंगे। ऐसा होने पे दोस्तों आप ब्लैक होल के दूसरे एंड से एक नए स्पेस टाइम में एंटर कर जाएंगे, जो कि आपका पास्ट या फ्यूचर हो सकता है, जैसा कि इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया था। मतलब इस केस में ब्लैक होल एक वार्म होल की तरह एक्ट कर जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कौन से टाइप का ब्लैक होल सबसे खतरनाक होगा? जरा सोच के जवाब दीजिएगा। दोस्तों अगर आपका जवाब सुपर मैसिव ब्लैक होल है तो यहाँ पे आप गलत हैं दोस्तों। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का मैसिव साइज होने की वजह से इवेंट होराइजन और सिंगुलैरिटी के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में ब्लैक होल में ग्रेविटी धीरे धीरे डेप्थ के साथ इंक्रीज करती है। ऐसे ब्लैक होल्स में गिरने पे बॉडी पे ऐड कर रही ग्रेविटी का डिफरेंस कम होगा, यानी कि लेस स्फैग्निफिकेशन और लेस चांसेस ऑफ बीइंग टॉर्न अपार्ट। स्मॉलर ब्लैक होल जैसे कि स्टेलर ब्लैक होल इस चीज में ज्यादा घातक होते हैं। इवेंट होराइजन और सिंगुलैरिटी के बीच कम डिस्टेंस होने के कारण ग्रेविटी तेजी से डेप्थ के साथ इंक्रीज होती है। ऐसे में इसमें गिरने पे बॉडी के नीचे हिस्से यानी कि पैरों पे ज्यादा ग्रेविटी एक्ट करेगी आर्म्स और टॉर्सो की तुलना में। इस हाई ग्रेविटेशनल डिफरेंस की वजह से बॉडी तेजी से खींचती चली जाएगी और ज्यादा से ज्यादा स्फैग्निफिकेशन होगा, अल्टीमेटली गेटिंग टॉर्न अपार्ट। दोस्तों इन सब केसेस को देख के एक चीज तो क्लियर हो जाती है, ब्लैक होल के पास जाना आपके सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है।
अगर आप सिंगुलैरिटी से बच भी जाते हैं तो दूसरे स्पेस टाइम में निकलने पे आपका वापस आ पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों समझदारी इसी में होगी कि ब्लैक होल को दूर से ही स्टडी किया जाए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। साइंस से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।